हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पतले हल्के बालों और ऑयली बालों के लिए हेयर स्टाइल। आप देख सकते हो मेरे बालों में कितना ज़्यादा ऑयल है, तो मैंने सोचा कि कई बार जैसे बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर होते हैं तो हम लोग बिना ऑयल लगाए नहीं रह पाते क्योंकि वो बाल बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑयल लगाना पड़ता है। और फिर ऑयली बालों में कैसे हेयर स्टाइल करें, तो आप ये वाले सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। पतले हल्के बाल हैं, ऑयली हेयर हैं, आप हेयर वॉश नहीं कर पाए हो, तो ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर लीजिएगा। और या फिर बहुत ज़्यादा किसी के कर्ली हेयर हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वो भी ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। आपको ऐसे साइड पार्टीशन कर लेना है। अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप सेंटर से भी पार्टीशन कर सकते हो। उसके बाद से आपको सिंपली सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। उसके बाद से आपको यहीं से ट्विस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। जिनके पतले बाल हैं उन पे भी अच्छा लगेगा और जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं वो भी ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से करके अच्छे से ट्विस्टिंग कीजिएगा और हल्का सा पुल करते हुए, ताकि थोड़ा सा यहाँ से लुक हमारा जो है वो पफ का लुक आ जाए। जहाँ से दब जाए वहाँ से आप खींच लीजिएगा और इस तरीके से यहाँ पे टिक टैक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप जिस जो भी आपके पास हो उससे इसको बालों को सिक्योर कर लीजिए। बैक में ले जाके यहाँ पे क्लिप से सेट कर देना है। उसके बाद से यहाँ से हेयर को लेना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है आगे की तरफ पुल करते हुए इस तरीके से। एक और क्लिप ऐड करेंगे यहाँ पे। ओके, इतना करने के बाद से सारे बालों को ले लेना है, अच्छे से कॉम करना है। हाई लो आप जहाँ चाहो वहाँ पे एक बन बना लीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इजी है और बहुत आसानी से आप बना सकते हो ये हेयर स्टाइल। सिंपली ट्विस्ट करना है, ओके, और एक क्लचर लेना है। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, वो भी पतले हल्के एंड छोटे बालों में। आप बहुत छोटे बाल तो नहीं होने चाहिए, मीडियम लेंथ के हेयर हों, पतले हल्के हेयर हैं और ऑयली हेयर हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके अगर बैंग्स सॉरी फ्लिक्स कटे हैं तो और भी प्यारा लगेगा, और नहीं कटे हैं तो आप इस तरीके से लेयर निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, वो भी ऑयली बालों में, तेल लगे हुए बालों में। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जो सेकेंड हेयर स्टाइल होगा वो हमारा मिडिल पार्टिंग से होगा, तो बीच की मांग यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, बीच की मांग निकालने के बाद से फिर से वही ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे बालों की। यहाँ पे हैवी हेयर ऑयलिंग भी कर रखी है मैंने, तो यहाँ से इस तरीके से सेम ऊपर की तरफ से आपको ट्विस्टिंग करना है, बालों को हल्का सा पुल करना है और यहाँ पे आप टिक टिक क्लिप की मदद से या फिर जो भी क्लिप हो आपके पास उससे आप यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी अच्छे से कॉम कर लीजिए, देन ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करके हल्का सा आगे की तरफ ढकेलते हुए बालों को और इस तरीके से क्लिप ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मांग दिख रही हो तो उसको आप पहले हाइड कर लीजिएगा अपने बालों से। आज मैंने ऑयल लगाया है तो आपको मेरे बालों का वॉल्यूम पता चल रहा होगा कि बहुत कम है, बट आपको जैसे मैं जब मैंने हेयर वॉश किए होते हैं तो मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखता है। अब सिंपली यहाँ से कॉम कर लेना है और फिर से सेम ट्विस्टिंग करनी है। आप चाहो तो कोई अच्छा सा भी बन बना सकते हो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो डोनेट वगैरह का भी यूज कर सकते हो, तो अभी मैं डोनेट भी यूज करके दिखा दूँगी। इस तरीके से करना है और फिर से एक क्लचर लेना है
और यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, तेल लगे हुए बालों के लिए एंड पतले हल्के बालों के लिए, पतले हल्के एंड ऑयली बालों के लिए। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको हेयर वॉश करने का टाइम नहीं मिला तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना के मार्केट वगैरह जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा यहाँ से हेयर को खींच लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा फ्लैट ना लगे। तो आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो गाइस। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। जो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल होगा उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है बालों का। जिसके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो ऑयल लगाए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनके बाल मैनेज नहीं रहेंगे अगर उन्होंने ऑयल नहीं लगाया तो। तो ये हेयर स्टाइल वो सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़े थोड़े बालों को लेना है एंड ट्विस्ट करना है, ऊपर की तरफ पुल करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्लिप से सेट कर देना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से। ये जो मैं मिडल पार्टिंग से बाल हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ये अगर आपने ऑयल नहीं भी लगाए हैं एंड आपके फोरहेड बहुत छोटे हैं तो आप ये दोनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ट्विस्टिंग किया है, आगे की तरफ पुल करना है बालों को और एक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, फिर से आपको सारे बालों को लेना है, ट्विस्ट करना है। बैक का लगभग सबका सेम ही हेयर स्टाइल बता रही हूँ मैं, और क्लचर से सेट कर देना है। सॉरी, मैं दूसरा क्लचर यूज कर लेती हूँ, वो क्लचर गिर गया मेरे हाथ से। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। जो फोर्थ हेयर स्टाइल होगा वो सिंपली आपको एकदम फ्लैट कॉम करके लेके जाना है। ये हेयर स्टाइल आपको ऑल फेस टाइप पे अच्छा लगेगा अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल किया हुआ है बालों में। तो सिल्क जो बन बोलते हैं हम लोग वो बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से आपको एक रबड़ बैंड लेना है। ओके, इसको टाइटली इस तरीके से लगा लेना है, एकदम सिल्क बन है ये। उसके बाद से आपको एक डोनेट लेना है, दो पार्ट्स में बालों को डिवाइड करना है। डोनेट को अच्छे से हाइड करते हुए एक और रबड़ बैंड लेना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद से जो हेयर बचे हैं उनको सिंपली इस तरीके से करते हुए यू पिन से सेट कर देना है। और फिर दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा हेयर को बन के चारों तरफ लपेटेंगे और यू पिन से सेट कर देंगे। और ये हमारा चौथा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और इजी है, बहुत ज़्यादा आप आराम से बना सकते हो। तो ये हमारा फोर्थ वन हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, वो भी ऑयली बालों के साथ, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ।
छठा हेयर स्टाइल यहाँ पे मैं फिर से मिडिल पार्टिंग से कर रही हूँ। जब भी आप बीच की मांग निकालते हो तो कोशिश कीजिए कि आपकी मांग जो है वो बहुत छोटी सी निकले। उससे क्या होता है कि आपका जो लुक होता है वो थोड़ा अच्छा दिखता है, और लंबी मांग निकाल के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि छोटी सी मांग निकले। तो इस तरीके से फ्लैट पूरा हेयर को कॉम करते हुए रबर बैंड से बालों को सिक्योर करेंगे। ओके, उसके बाद से सिंपली आपको बालों को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ही लेके आना है, और एकदम सेंटर में आपको एक क्लचर लगा देना है। बड़ा छोटा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टाइप का क्लचर लगाना है। और ये हमारा छठा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, सिल्क लो बन। और चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो जो सातवां हेयर स्टाइल होगा वो भी मैं मिडिल पार्टिंग से ही बता रही हूँ। इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे बालों की। सिंपली फ्रेंच चोटी जो होती है वो बनाते जाएंगे हाफ हाफ बालों को लेके। थोड़े थोड़े बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और इस चोटी के साथ मिक्स करते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से छोटी बना लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बना लेंगे। छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और इस तरीके से जैसे मैंने दूसरी साइड बनाया है चोटी, उसी तरीके से आपको इस साइड भी बना लेना है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है गाइस, प्लीज डोंट माइंड। तो इस तरीके से दूसरी साइड भी पूरी चोटी बनाने के बाद से इस तरीके से पूरा चोटी बनाने के बाद से इसको भी टिक टॉक क्लिप से सेट कर देंगे ताकि जो चोटी है वो खुल ना जाए। फिर से सारे बालों को लेंगे और एक पोनी बनाएंगे। इन बालों को ओपन करके ये चोटी को इसके साथ मिक्स कर देंगे। ओके, okay.
ओके, थोड़ा थोड़ा बालों को खींच लेंगे। अगर आपके बहुत पतले और हल्के बाल हैं तो आप इस तरीके से खींच लोगे तो आपके बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा एंड आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब नहीं लगेगा, बहुत चिपकू चिपकू सा नहीं लगेगा। उसके बाद से डोनेट बन लेंगे और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे आपको यू पिन से इसको सिक्योर करना है। ओके, अच्छे से इसको सिक्योर करने के बाद से एक और रबड़ बैंड लेंगे और इस तरीके से डोनेट बन को अच्छे से हाइड करते हुए ओके और यहाँ पे एक रबड़ बैंड को लगाएंगे। और यहाँ पे यू पिन से सेट कर देंगे। और ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। तो ये थे आज के 7 बहुत ही इजी एंड स्टाइलिश हेयर स्टाइल जो कि ऑयली बालों में काफ़ी अच्छे लगेंगे। पतले हल्के बाल हैं तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत कर्ली बाल हैं तो भी आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए एंड बहुत ही ईजी स्टाइलिश एंड सुपर वीडियो देखने के लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय।